नमस्कार, मैं हूं अमोल और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है वीकेबी न्यूज़ प्रस्तुत देसी कलाकार हमारे इस प्रोग्राम में। और हमारे इस प्रोग्राम की कोशिश होती है कि नागपुर के उन कलाकारों से रूबरू कराएं आपको जो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा उनका नाम है और एक मुकाम पे वो आज पहुंच गए। और उसी कड़ी में आज एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार है हमारे बीच और हमारे साथ है मयंक लखोटिया जी। तो बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी आपका। नमस्कार। और सबसे खास बात है, इन्हें नागपुर के सोनू निगम भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है ये हम आपको थोड़ी देर बाद जो है वो ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है। थैंक यू। पहला सवाल यही पूछूंगा कि हर कलाकार की एक शुरुआत होती है, कहीं से ना कहीं से वो शुरुआत करता है। आपकी शुरुआत कैसे हुई? जी, मेरी शुरुआत हुई ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा, उनके साथ हुई और मैं वहाँ पे 5 साल गाया, अच्छे अच्छे शोज़ किए, तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे गाने गाने का मौका मिला और बहुत सारी जगहों पे शोज़ करने का मौका मिला। तो मतलब मैं बता दूँ जो लोग नहीं जानते, तो सेंट्रल इंडिया में ओपी सिंह जी का बहुत बड़ा नाम है और ऑर्केस्ट्रा जगत के गुरु उन्हें माना जाता है। और बहुत सारे कलाकार जिसमें सुनील पाल हो, जूनियर शाहरुख खान हो, ऐसे बहुत सारे कलाकारों को उन्होंने मंच दिया है। मैं कहूँगा कि आमतौर पर हम सिंगर्स की बात करते तो ज़रूर उनका कोई ना कोई गुरु होता है। तो जब आपने इनिशियल स्टेज पे शुरू किया तो इसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह ली, कोई गुरु वगैरह थे कि आप बस खुद से? नहीं, मैंने सीखा तो नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो ली नहीं है मैंने। मेरा गॉड गिफ्टेड है, जो भी आता है थोड़ा बहुत। क्या बात है। और जो लोग सुने हो गए मयंक जी को या फिर जिन्होंने देखा है मयंक जी को लाइव, वो जानते हैं कि मयंक जी बहुत बहुत खूबसूरत गाते हैं। मयंक जी, ये पूछना चाहूँगा, कैसे रहा है अब तक का सफ़र? मतलब जब से आपने ओपी सिंह से शुरू किया और अब तक की ये जो जर्नी रही एज अ आर्टिस्ट, एज अ सिंगर, तो वो कैसे रही आपकी? जी, वो बहुत अच्छा रहा वो सफ़र। मुझे अलग अलग लोगों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिला, ख़राब ख़राब लोगों के साथ भी काम करने को मिला, वो भी एक्सपीरियंस अलग है। कुल मिला के सुरीला सफ़र रहा अभी तक का। जी, बहुत सारी यादें होती हैं हमारी इस जर्नी में, जैसे कि आपने बताया कि कुछ अच्छे और कुछ बुरे लोगों का भी साथ जो है वो आपको मिला। इनिशियल स्टेज में वो कुछ लोग आपको याद है जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया हो, जैसे ओपी सिंह जी का नाम लिया? क्योंकि किसी का साथ हम लोगों को बहुत ज़रूरी होता है, जो एक पड़ाव तक हमको लेकर आते हैं। जी, ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में उनके एक मैनेजर थे, अभी वो नहीं है, उनका देहांत हो गया, मिस्टर प्रभाकर निंजे। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। वो एक्चुअली मैं उस समय जो ऑर्केस्ट्रा में जो नए नए आर्टिस्ट आते थे उनको काम भी करना पड़ता था, राइट, सामान उठाना, हाँ, रखना, बिल्कुल बिल्कुल वो करना पड़ता था। तो एक दो दिन मेरे से करवाया उन्होंने, फिर बोला तू मत कर, तू सिर्फ गाना गा। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। और जो उनके जो को सिंगर्स थे ओपी सिंह, एक मिताली जी, राइट, जिनका एक सीरियल आया था अफसर बिटिया, हाँ, उन्होंने वो सपोर्ट किया मेरा। ओपी सिंह तक तो आप पहुंच गए, लेकिन ओपी सिंह तक कैसे पहुंचे आप, वो थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा मजा आएगा कि अचानक कैसे क्या मुलाकात हुई, सिंगिंग कैसे करना चाहिए, मतलब सोचा आपने? जी, गाने का शौक तो मेरे को था ही, कॉलेज में गाता था, तो समर वेकेशन की छुट्टी थी, पेपर में ऐड आया था मराठी पेपर में, सिंगर पाइजे। पहुँच गया नेताजी मार्केट ऑडिशन देने के लिए, तो वहाँ पर मेरा ऑडिशन प्रभाकर जी ने लिया, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम कल आ जाना। तो मेरा पहला शो हुआ था हिंगन घाट में। अच्छा जी। और उस शो में सुनील पाल जी भी थे। ओके ओके। पहला शो हुआ था, शादी का शो था वो, तो उसमें वहाँ से मेरी मतलब प्रोफेशनल करियर की शुरुआत हुई। जब ओपी सिंह जी की एकेडमी चलती थी और उनका ऑर्केस्ट्रा चलता था, तो मेरे ख्याल से नवभारत और किसी और एक अखबार में जो है हमेशा ही उनकी एड्स जो है वो रेगुलर आती थी, जहाँ पर वो आर्टिस्ट जो है सिंगर से ये डांसर से मिमिक्री आर्टिस्ट से, तो ऐसी लगातार जो है उनकी एडवर्टाइजमेंट आते रहती थी। पहले शो की बात करी तो पहला शो, पहला गाना बड़ा लोगों का यादगार होता है, तो आपको याद है क्या उस शो में पहला बार आपने जब स्टेज परफॉर्मेंस किया था या कमर्शियली आप आए थे, तो पहला गाना कौन सा गाया था? मैंने पहला गाना एक्चुअली वो शादी का शो था, तो रफ़ी साहब का गाया था, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100-100 बार मैंने जन्म लिया, ये गाना मेरा पहला गाना है स्टेज का। तो गाने की दो लाइनें सुना सकते हैं मयंक जी? जी बिल्कुल। जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100-100 बार मैंने जन्म लिए, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, 100-100 बार मैंने जन्म लिए, प्यार अमर है दुनिया में,
प्यार कभी नहीं मरता है, मौत बदन को आती है, रूह का जलवा रहता है, जन्म जन्म का साथ है, निभाने को सौ सौ बार मैंने जन्म लिए। जितना मज़ा आपको इनको स्क्रीन पर गाते हुए देखने में आ रहा होगा, तो उतना ही मज़ा जब ये लाइव परफॉर्म करते हैं तो आपको देखने में बहुत बहुत मज़ा जो है वो आएगा। अगला सवाल मैं आपको पूछता हूँ, जब हम एक कलाकार बनते हैं तो कई सारे लोगों से मिलते हैं और बहुत अहम रहे ओपी सिंह जी, और जैसे कि आपने बताया कि उनके जो मैनेजर थे वो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रहे। कई सारे लोगों के हम गाने सुनते हैं, कई सारे लोगों के गाने हम गाते भी हैं, तो ऐसे वो कौन से कलाकार हैं जिनके गाने आपको सुनना बहुत पसंद है और उनके गाने भी गाना आपको बहुत पसंद है? उस समय सारेगामापा था, सारेगामा था उस समय सोनू जी का, राइट तो मैं सोनू जी के सिंगिंग को बहुत पसंद करता था, तो उनके गाने मेरे को अच्छे, मतलब मैं गाता था उनके गाने तो लगता था मेरे गले को सूट कर रहा उनका। अच्छा, तो इस तरह से मैं सोनू जी को बहुत फॉलो करता हूँ अभी भी। पर अभी जब आपने रफ़ी का गाना गाया तो उसे भी बड़े बखूबी निभाया, मगर आपने ऐसा कहूँगा मैं। हाँ, सोनू जी रफ़ी साहब का मतलब जो स्टाइल ऑफ सिंगिंग है वो एक सा ही है, तो वो मैं कहूँगा कि खतों से लेकर ईमेल्स तक और मैसेज से लेकर तो व्हाट्सअप कॉल तक इतना बड़ा एक चेंज आपने देखा। तो बीइंग अ कलाकार और बीइंग हमारे नागपुर की एक छोटी सी म्यूजिक इंडस्ट्री है, तो उसमें क्या बदलाव देखा आपने? क्योंकि आपने भी अभी शादी के शोज से शुरुआत की थी और आज आप इवेंट्स करते हैं, कॉन्सर्ट करते हैं, तो एक बड़ा बदलाव हुआ जी। उस समय प्रैक्टिस बहुत होते थे, राइट पहले कई टूर जाना तो प्रैक्टिस करके हम लोग शोज करते थे। मतलब ओपी सिंह में अगर कल कोई शो है तो आज प्रैक्टिस करते थे, क्या मतलब सीक्वेंस रहेगा गाने का, मतलब पूरी तैयारी होती थी, प्रैक्टिस बहुत होता था। आजकल नहीं होता, आजकल बस गाओ जाओ और गाओ। तो पहले मज़ा आता था कि अब मज़ा आता? पहले मज़ा आता था। मैंने भी देखा है, जब मैं छोटा था तब तो शायद मैं कुछ करता नहीं होगा, लेकिन मेरे एक मित्र है वो जाते थे ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा, तो वहाँ पर वो बैठे ही रहते थे, पीछे उनका स्टूडियो था एक जी, जहाँ पर हमेशा ही प्रैक्टिस जो है दौर चलता रहता था। गणपति हो नवरात्रि हो तो पूरा प्रोग्राम डिजाइन होता था और ये लोग टूर करने जो है वो जाते थे जी। कई सारे मित्र होंगे आपके जो अच्छा गाते होंगे, आई होप। तो शुरुआती दौर के कौन से दोस्त रहे आपके जब जो आज भी इस इंडस्ट्री में कंटिन्यू है, जैसे आपने मिताली बताया, तो ऐसे कौन सारे लोग हैं? सागर मधुमटके जी, वो भी मतलब हम लोग बहुत शोज करते थे उनके साथ भी, और एक रवि हिवराले करके हैं। अच्छा, वो किशोरदा के गाने गाते थे वो, तो उसके साथ भी है। और आजकल जो सिंगर हैं मुकुल पांडे, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। एक जो है विजय चिवंदे, वो एक्सपायर कर गए जी, हैं जी, कोरोना में, वो भी बहुत अच्छा गाते। मतलब जितने हमारे नागपुर के वरिष्ठ कलाकार कहूँगा मैं, जो जाने माने जिनके सबके नाम है, तो इनके साथ ही रहे हैं वो एक ज़माने में, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। मैं ये कहूँगा बहुत कुछ सीखने मिलता है हमें इस पूरे सफ़र के दौरान, आपने भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी हुई। सबसे खास चीज़ एक कलाकार के तौर पर आपने इस पूरे जर्नी में कौन सी सीखी? मैंने गाने में सबसे ज़्यादा सीखा कि एक्सप्रेशन देना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, गायकी एक अलग चीज़ है, लेकिन गाने को जो एक्सप्रेस करते हैं वो मेन है, उससे गाने का मतलब निखरता है उससे गाने, और लोगों के दिल तक पहुँचता है, ये सीखा मैंने। जैसे कि आपने कहा कि सोनू निगम आपको बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं फंस से गए हैं अपन, कि कहीं, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि नागपुर के सोनू निगम कहा जाता है, तो जहाँ सोनू निगम की रिक्वायरमेंट है वहाँ मयंक को बुलाइए, कि जनरल शोज में भी मयंक को याद करते हैं फिर लोग? नहीं, ऐसे तो अब सोनू जी तो हर तरह के गाने गाते हैं। राइट अगर सोनू जी से अगर वो कुछ कंपेयर कर रहे हैं तो सोनू जी तो किशोर कुमार के भी गाने, राइट ठीक है, वो तो मन्ना डे साहब को भी गाते हैं, वो मुकेश जी को भी गाते हैं, तो सबको गाते हैं। और मयंक खुद का भी शो करते हैं सोनू के नाम से, बड़ा प्यारा सा और बहुत मज़ा आता है, जिसमें सोनू निगम के अलावा भी बहुत सारे गाने होते हैं, लेकिन प्रॉपरली मेजर हिस्सा जो है वो सोनू निगम का होता है। एक अहम सवाल पर आऊँगा मैं, कलाकार के लिए बड़ा मुश्किल दौर रहा लॉकडाउन कोरोना, आपका कैसा रहा और उस समय को कैसे यूटिलाइज़ किया आपने? नहीं, मेरा तो कुछ लोग मतलब एकदम फुल टाइम कलाकार हैं, मेरा तो ऐसा नहीं है, मेरा राइट का एक बिज़नेस है, कस्टम क्लियरेंस फॉरवर्डिंग का, शिपिंग का, तो ये बंद था, तो वो शुरू था। क्या बात है, इनकी दुकान चल रही थी भैया जी, इनका रोज़गार चल रहा था, तो मतलब इतना असर नहीं पड़ा होगा?
नहीं मेरे पे तो नहीं पड़ा। नहीं फिर भी एक कलाकार बड़ा मिस करता है, स्टेज हो, ऑडियंस हो, साउंड लाइट एक थोड़ा अलग ही मतलब मजा होता है, तो वो तो मिस किया ही होगा। हाँ वो तो डेफिनेटली मिस किया, क्योंकि इनके जो बंधु है छोटे वो हमारे मित्र है, तो हमेशा लाइव आते थे फेसबुक पर। तो आपने कोशिश नहीं की, आप कम दिखे मेरे को फेसबुक पर कि आप भी आते थे? नहीं मैं कम ही आया फेसबुक पर। तो क्या वजह क्या रही फिर? कुछ नहीं बस ऐसे। ये भी अच्छा है बस ऐसे। नागपुर की जो हमारी छोटी सी सृष्टि है, कलाकार सृष्टि है, जो कला जगत है, उस कला जगत के बारे में क्या कहेंगे, कैसे लगते हैं नागपुर के कलाकार आपको, नागपुर के लोग, नागपुर के आर्टिस्ट? ये जो पहले के जो आर्टिस्ट थे वो सब मेहनत करके आए थे, आज कुछ और चल रहा है। तो आज क्या चल रहा है फिर? आज हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता मैं आज तो देखिए क्या है, आज तो सभी सिंगर हैं, राइट राइट, ठीक है, आजकल सुनने वाले कम हैं, गाने वाले ज़्यादा हैं, राइट, तो यही। और आजकल क्या है, जो ऑर्गेनाइज़र लोग रहते हैं, ठीक है, वो ऑफ़र करते हैं, भैया इतना दे दो, हम तुमको अपना स्टेज देते हैं, राइट, वही सब चल रहा है। लेकिन जो अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं वो घर पर बैठे हैं, राइट राइट, क्योंकि उनको पैसे देने पड़ते हैं ना। जी हाँ, पेमेंट देना पड़ता है। आप ऑर्गेनाइज़र अभी अभी ये चल रहा है नागपुर में कि आप पैसे दो और हमारे बैनर में, हमारे स्टूडियो में आकर, हमारे पेज पे गाओ और फिर हम इतने लाइक्स, इतने शेयर हो जाएंगे, ये सब इतने व्यूज़ हो जाएंगे इसका करके, वो सब सबका चल रहा है अपना मतलब दुकान, चलना चाहिए, अच्छी बात। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। मैं ये कहूँगा कि एक कलाकार के लिए रियाज बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, एक सिंगर के लिए। तो फिर जैसे कि आपने कहा कि आप दूसरा भी काम करते हैं, जैसे आपने बताया कस्टम का, तो फिर अभी भी रियाज करते हैं कि आजकल सिर्फ शोज के पहले ही प्रैक्टिस होती है, या फिर आज भी आपका डिसाइडेड कि इतना समय, एक घंटा दो घंटा मैं प्रैक्टिस करूँ? नहीं फ्रेंकली स्पीकिंग अगर सच बोलूँ तो रेगुलर रियाज मैं भी नहीं करता, लेकिन कभी कभी इच्छा होती है तो मतलब हफ्ते में दो तीन दिन तो करते ही हूँ। मतलब पहले सातों दिन करता था सुबह उठ के 4 बजे। अरे बाप रे। हाँ अब ज़्यादा मैं भी नहीं करता सच बोलूँ तो, लेकिन करना चाहिए। नहीं, नहीं। लेकिन शोज होते हैं हमारे तो फिर जैसे कंटिन्यू शोज होते हैं तो फिर रियाज करके स्टेज पे जाना पड़ता है, तो लंबे समय तक गा सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि अभी एक छोटा सा ब्रेक जो है वो लगा हुआ है, जब शोज रहते हैं तो प्रैक्टिस भी होती है कई बार, और शोज भी होते हैं, नए गाने आते हैं या फिर पुराने गाने भी रिवाइज करने पड़ते हैं, तो प्रैक्टिस और बाकी सारी चीज़ें रियाज वगैरह तो हो ही जाती है। मैं कहूँगा कि गाना तो आपने हमको सुना दिया, आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है जो हमेशा आपके दिल के करीब रहता है, जब भी आप मतलब गुनगुनाना हो या फिर दिमाग में कुछ नहीं हो तो वो गाना ज़रूर आता है, तो ऐसा कौन सा गाना है? ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं लेकिन अभी जो मेरे को याद आ रहा नहीं, कोई एक फेवरेट तो होगा? फेवरेट बहुत सारे हैं। अरे बाप रे, लिस्ट बड़ी लंबी है। हाँ बहुत सारे, कोई भी आर्टिस्ट का एक गाना फेवरेट हो ही नहीं सकता। अच्छा, हो नहीं सकता वो। अभी आप मेरा कुछ अलग मूड है, राइट आप पूछ रहे हैं तो मेरा अभी हैप्पी मूड है। हाँ तो गाना अलग, तो कुछ अलग ही। अभी मैं मदन मोहन जी के ख्याल में खोया हूँ तो मेरे को मदन मोहन जी का गाना याद आ रहा है, राइट, रफी साहब का गाया हुआ, मैं निगाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, क्या ये मेरा फेवरेट है अभी इस समय। और सोनू निगम जी का कोई फेवरेट गाना? सोनू जी के तो संघर्ष मूवी का एक गाना है, वो मुझे बहुत पसंद आता। नहीं जब आप शोज करते होंगे तो कोई ऐसा गाना होता है कि जिसके लिए लोग खड़े हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं और वंस मोर करते हैं, तो ऐसा कोई गाना? वो अग्निपथ का गाना है अभी। अच्छा। मुझ में कहीं तो चार लाइनें हो जाए फिर उससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ मैं आपको जो स्टेज शोज से रिलेटेड है, तो चार लाइनें हो जाए तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी बिल्कुल।
अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नई, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूँ जरा, मर जाऊँ या जी लूँ जरा, खुशियाँ चूम लूँ या रो लूँ जरा, मर जाऊँ या जी लूँ जरा। ऐसे भी मुझे भी कई बार मौका मिला है मयंक जी के साथ काम करने का, और लाइव सुनने में बड़ा मज़ा आता है मयंक जी को, तो मैं चाहूँगा ज़रूर आपको मौका मिले तो ज़रूर इनके शो में जाइए। कई बार ऐसा होता है कि बड़ी वियर्ड वियर्ड रिक्वेस्ट आती है ऑडियंस में से, जिसका आना भी पता नहीं होता। कभी ऐसा हुआ कि बड़ी वियर्ड रिक्वेस्ट किसी ऑडियंस में आकर करते, भैया आप ये भी गा दो, और उस गाने के बारे में आपको कभी कुछ पता ही नहीं है। जी आती है कभी कभी, कोई भोजपुरी गाने तो आई कभी, जिला टॉप लागे लू कोमारिया और चट्टे देनी मार देनी खींच के तमाचा, ही हौस देली रिंकी आके पापा, ये सब भी आता है। नहीं तो फिर कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजर भाई गा दे, तो ऐसा कभी हुआ है फिर? नहीं, जो जो आता नहीं वो कैसे गा सकते ये बात भी सही है, हम ऑर्गेनाइजर तो बोलते हैं आप ही गा दो ये भी अच्छा है कि ऑर्गेनाइजर भैया तुम गाना भी सीख लो। कई बार बहुत सारे ना कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, हम जैसे ही शो खत्म हो जाता है तो लोग मिलते हैं बैक स्टेज हमको, फोटो से लेते हैं, पहले तो ऑटोग्राफ्स लेते थे, आजकल लोग सेल्फीज लेते हैं, कई सारी मॉम्स आते हैं, बच्चे आते हैं और कहते हैं कि भैया आपने बहुत अच्छा गाया। तो कोई अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको याद है कि लोग तो बहुत सारे मिलते हैं कलाकार को, लेकिन कोई बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट याद है कि आप? एक कॉम्प्लीमेंट मेरे को याद है, एक किस्सा है। ओपी सिंह जी के जब ऑर्केस्ट्रा में मैं था, तब एमपी में शहडोल करके एक शहर है, वहाँ पे एक शो हुआ था, तब एक मूवी बहुत चली हुई थी दिल है तुम्हारा, राइट, उसमें एक गाना था सोनू जी का, ओ साहिबा मिलोगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है। वो गाना जब गाया मैंने बैक स्टेज पे, सब लोग आ गए ऑटोग्राफ लेने के लिए, क्या बात, बोले यार तुमने बहुत अच्छा गाया, बहुत मतलब रुला दिया ये वो, और उस जोन में दर्दीले गाने ज़्यादा चलते हैं। अच्छा, तो उस समय वो एकदम लेटेस्ट गाना था, तो वो किस्सा मेरे को अभी तक याद है। क्या बात है, कई सारे ऑर्गेनाइजर्स के लिए आप काम करते होंगे नागपुर में, मैं कहूँगा सब अच्छे सब बुरे वो अपनी अपनी जगहों पर हैं, एक्सपीरियंसेस हमें बहुत सारे मिलते हैं जब हम लोग शोज़ करते हैं। कोई अच्छा बताइए, पूरा तो मैं पूछूंगा नहीं, तो कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करिए, जैसे एक बहुत अच्छी याद है आपको कि जैसे आपने गाना गाया तो बैक स्टेज लोग आकर आपके ऑटोग्राफ। मेरी सारी अच्छी यादें ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में ही। क्या बात है, कोई खास वजह रही कि वो शुरुआती दौर था इसीलिए सारी यादें? वहाँ पे एक फैमिली जैसा था, मतलब साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में घूमते थे, तो एक मतलब बहुत अच्छा लगता था, तो वही सब यादें हैं। तो ओपी सिंह साहब के ऑर्केस्ट्रा के जितने भी लोग हम लोग को शोज़ में मिलते हैं, जैसे सुभाष भैया हैं, सुभाष राइट, ठीक है, हम लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है उनके साथ बात करके, सब पुरानी यादें हैं। तो मेरी जितनी भी अच्छी यादें हैं मेरी वहीं पर हैं, ओपी सिंह, हाँ उनके पास ही। एक थोड़ा सा मुश्किल थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछता हूँ, थोड़ा वायरल कंटेंट हमको भी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा है कि इस कोरोना में ना कई सारे लोग सिंगर बन गए जी, कुछ लोग गाना बजाने लगे, कुछ गाना गाने गाने लगे, और कुछ लोग खाना बनाने लगे, तो सबकी अलग अलग कैटेगरी है। तो ऐसे में हर किसी को लगता है कि आज वो किशोर कुमार है, मोहम्मद रफ़ी है, तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे आपने कई साल से गा रहे हैं, तो ऐसे लोग जो सिंगर सच में बनना चाहते हैं, तो उनसे आप क्या कहेंगे जिसको सही में गाना गाना? नहीं, सिंगर तो गॉड गिफ्टेड होता, सिंगर तो बन ही नहीं सकता ना। अच्छा, सिंगर गॉड गिफ्टेड होता, सिंगर बन ही नहीं सकता, जो गॉड गिफ्टेड रहेगा वो मार्केट में है, ऑलरेडी गा रहा है। अच्छा, ठीक है, सिंगर गॉड गिफ्टेड ही रहता, वो जब गाता है ना तो सामने वाले को पता चल जाता नहीं यार इसमें कुछ बात है। फिर जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, मतलब रेगुलर रियाज करते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, वो तो भगवान ने आपको अच्छा शरीर दिया है, लेकिन उसको संभालने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो वही ट्रेनिंग रियाज वही होता है। मतलब भगवान ने आपको आवाज़ दिया है, आपको उसको निखारना है। हाँ, लेकिन आवाज़ तो भगवान गॉड गिफ्टेड ही रहता है, और सुर भी गॉड गिफ्टेड ही रहता है। अच्छा, हाँ, और उससे सबसे ज़्यादा गॉड गिफ्टेड रहता है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आपको कोई गुरु नहीं सिखा सकता।
सुर लगाना सिखा देगा, बिल्कुल, 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 ताल, लेकिन एक्सप्रेशन कोई नहीं सिखा सकता, और एक्सप्रेशन किसी मशीन से भी नहीं निकल सकती आजकल, ऑटो ट्यूनर है जो भी है जो चलता है आजकल, एक्सप्रेशन तो आपको देना ही पड़ेगा, और वो अंदर से ही आता है, वो गॉड गिफ्टेड रहता है एक्सप्रेशन। कई सारे शोज किए होंगे आपने, बड़े बड़े, कुछ छोटे शोज भी किए होंगे, तो कोई बड़ा शो यादगार है, मेमोरेबल, जहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस थी, बहुत मज़ा आया आपको ऐसा कोई? देखिए, ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में जब हम लोग दुर्गा पूजा का शो करने जाते थे नवरात्रि में, तो सारे मतलब पब्लिक शो रहते थे, बड़े बड़े शो होते थे वहाँ पे, उस समय बड़े बड़े ही शो होते थे। हाँ, पहले ट्रेंडी था कि मध्य प्रदेश या फिर बाकी जगह जगह है वहाँ पर, पूरा एमपी में हम लोग एक महीने का टूर करते थे, और वहाँ पे हर शो पब्लिक शो रहता था, और वहाँ पे मतलब 15-20 हज़ार क्राउड तो रहती रहती थी जी। अभी के शोज में और पहले के शोज में क्या डिफरेंस लगता था प्रैक्टिस को छोड़ के? क्योंकि प्रैक्टिस वाला तो आपने बता दिया कि पहले जब शोज होते थे तो प्रॉपर प्रैक्टिस होती, तो आजकल तो बस कि चलो आज शो है, और आजकल तो महीने में मतलब 20-20, 25-25 शोज रहते थे, पहले तो लोग इंतजार करते थे कि शोज आएंगे जाएंगे तैयार होके, तो क्या डिफरेंस लगता है प्रैक्टिस को छोड़ के और पहले के शोज में और अभी के शोज में? पहले के शोज में तो वही सब साथ में रहते थे, एक जेल था, एक यूनिटी थी, मतलब एक रेपो बन गया था कि मतलब हम लोग जो गा रहे हैं उसको ऐसा कि बजाने वाले को तो समझ जाता है ये क्या, मतलब ये क्या चाह रहा है, और मतलब और आजकल कभी ये कभी वो, ये सब मतलब अलग अलग लोग रहते हैं बजाने वाले, तो उससे उनसे कोऑर्डिनेशन जम नहीं पाता। अच्छा अच्छा, आजकल बहुत सारे लोग ट्रैक्स पर भी गाते हैं, और जो लोग ट्रैक पर गाते हैं उनको लाइव में गाना थोड़ा मुश्किल होता है, और जो लाइव में गाते हैं, ट्रैक सिंगिंग मेरे को पसंद नहीं है कोई खास वजह? ऐसा ट्रैक सिंगिंग में तो मेरे को डर लगता है, अरे कोई नहीं है पास में, साथ में कोई है ही नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, और ऐसे सबका सब लोग बजाते तो उनका वाइब्रेशन मिलता है ना, तो गाना और निखर के आता, ट्रैक में मज़ा नहीं आता, ट्रैक तो ऐसे ही है मतलब चल रहा है, टाइम पास है ऐसे ही, मतलब गा दो, ट्रैक पर तो कोई भी गा सकता है। क्या बात, मैं भी। हाँ, आप भी गा सकते हैं, आप तो वैसे अच्छा भी अच्छा ही गाते हो, लाइव भी गाते हो आप, ट्रैक सिंगिंग मेरे को पसंद नहीं है। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, हमारे नागपुर में जैसे आपने कहा कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार हैं, जैसे कि विजय चिवंडे थे एक, उसके बाद में सागर जी है, सारंग जी है, आपका सबसे फेवरेट कौन है? मतलब आपको अगर खुद को ना सुनना और किसी और का लाइव प्रोग्राम देखने जाना पसंद हो, तो वो कौन सा कलाकार है जिसका गाना सुनना आपको बड़ा पसंद है? मेल सिंगर? हाँ, मेल सिंगर में मुकुल पांडे। क्या खास वजह है कि मुकुल जी को सुनने में मज़ा आता है? वो सीखे हुए हैं ना, तो जो सीखे हुए कलाकार रहते हैं तो उनको सुनने में ज़्यादा मज़ा आता है। क्या बात है, क्या बात है। और फिर सागर है, ये लोग गॉड गिफ्टेड सिंगर है, बताया ना, गॉड गिफ्टेड सिंगर को सुनने में अलग ही मज़ा। और ऑन स्क्रीन अगर मैं बड़े कलाकारों की बात करूँ तो फिर और किसको? सोनू निगम जी को छोड़ के, सोनू निगम जी हैं, अभिजीत जी हैं, कुमार शानू जी हैं, शान हैं, कुणाल गांजा वाला हैं, के सभी पसंद। लिस्ट बड़ी लंबी है, मतलब बहुत बड़ी। और फेवरेट जॉनर कौन सा है आपका? कौन सा जॉनर सुनने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है आपको? मेरे को तो रोमांटिक गाने अच्छे लगते हैं। हाय हाय, कोई खास वजह? मेलोडियस गाने, उसमें मतलब फीलिंग दे सकते हैं, और सैड सॉन्ग भी अच्छा लगता है। अच्छा, जिसमें फील हो, जिस गाने में फील हो और थोड़ी थोड़ी बहुत गायकी भी हो, वो पसंद है मुझे। और एक सवाल जो है थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक मैं आपको पूछता हूँ कि गाते तो आप हैं, कई सारे शोज भी आपने करे, हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में ना एक मुकाम हम हासिल करें, थोड़ी ऊंचाई पर चले जाए, स्टेज शोज तो आप कर रहे, तो आपका कोई सपना है कि बस मेरे को ये करना है, यहाँ तक जाना है, यहाँ तक पहुँचना है? नहीं, ऐसा तो कोई सपना नहीं है, बस गाना गाना है, सुरीला गाना है, ऐसा मतलब शो देख के जाए तो बोले नहीं यार ये अच्छा गाया है लड़के ने, वो फील आना चाहिए, वो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए लोगों से। जी जी। और जो हमारे आजकल के सिंगर्स है, ट्रैक सिंगर्स, हम भी आजकल के ही हैं। नहीं नहीं, लॉकडाउन वाले, फेसबुक वाले जो सिंगर से, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनका चल रहा है, चलने दीजिए, अच्छा है, अच्छे लोग भी हैं, अच्छा भी गाते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हम हाउसी कलाकार हैं तो हमें भी कोई मौका मिले, हमारे मिल रहा है ना, उनको मौका बहुत मिल रहा है, उन्हीं को तो सबसे ज़्यादा मौका मिल रहा है आजकल। बाकी जो ट्रेंड सिंगर से वो भी घर पर बैठे? हाँ बिल्कुल, वो तानपुरा लेके रियाज कर रहे हैं बेचारे वो। क्या बात है, क्या लगता है बदलेगा या दौर भी? बदलना तो चाहिए, बदलना तो चाहिए। अगर आपको मैं कहूँ कि हमारे शो का एंड करना है और आपको कोई गाना सुनाना है तो कौन सा गाना सुनाएंगे मैंग जी? अभी समय मुझे संघर्ष मूवी का एक गाना बहुत पसंद है, सोनू जी का गाया हुआ। अच्छा, वो मेरे को लगता है वो बहुत ही अच्छा रोमांटिक गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कॉलेज में बहुत गाता था मैं, ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा में भी बहुत गाता था। ओके, तो मैं वो गाना आपको सुनाना चाहूँगा लास्ट में, संघर्ष मूवी का गाना है। ए ला ला ला।
मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, हाँ करूँ क्या मुझे तुम बताती नहीं हो, छुपाती हो मुझसे ये तुम्हारी खता है, आ मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो। ऐसे कहते हैं कि हम कोई काम करते हैं तो घर से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बताया कि आपके छोटे भाई भी गाते हैं जी, और जब हम दोनों कॉलेज में थे तो हम दोनों गाते थे, तो आपको घर से कैसे सपोर्ट है? हाँ, घर से सपोर्ट करते क्योंकि मेरे पापा भी खुद बहुत अच्छा सिंगर, बहुत अच्छा गाते थे, मुकेश जी के गाने बहुत अच्छा गाते थे वो। अच्छा अच्छा मेरे चाचा भी जो अब नहीं रहे, वो भी बहुत अच्छा फ्लूट बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, तो हमारे घर में मतलब सिंगिंग का ही माहौल है देखा जाए तो। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने इस कोरोना को इनकैश किया है, जो अच्छा गाते हैं अच्छा बजाते हैं, उन्होंने खुद के अकेडमीज और क्लासेस और बाकी चीज़ें भी शुरू की है। आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, आपका भी एक बहुत अच्छा नाम है नागपुर, आपके दिमाग में कभी विचार नहीं है कि अपन भी खुद के क्लासेस वगैरह शुरू करें, अपने पास जो ज्ञान है जो थोड़ा बहुत बच्चों के साथ दूसरों के साथ शेयर करें? नहीं, मेरे पास देखिए, मेरे को वॉइस कल्चर का नॉलेज है, मेरे को क्लासिकल वगैरह कुछ आता नहीं है, लेकिन मेरे को कौन सा गाना कैसा थ्रो करना पड़ता है, जो वॉइस कल्चर होता है, जो प्लेबैक सिंगिंग में काम आता है, मेरे को वो नॉलेज है। मैं मुझे कुछ राग के बारे में नहीं पता। अच्छा। कुछ ये कुछ पता नहीं क्योंकि मैंने ट्रेनिंग लिया ही नहीं है, लेकिन मेरे को वॉइस कल्चर के बारे में पता है। कभी लगेगा नहीं आपको जब आप मयंक जी को लाइव सुनेंगे ना कि इन्होंने कभी ट्रेनिंग ली नहीं या फिर ये गाना सीखे नहीं? जब भी कोई गाना निभाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाते हैं, और उन्होंने खुद कहा कि एक्सप्रेशन और फील बहुत ज़रूरी है, तो जब ये गाएंगे तो आप देखेंगे तो, और अभी भी आपने वीडियो में देखा ही होगा कि कितना खूबसूरत वो गाते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमने मयंक जी को बुलाया और बहुत कम समय में, तो मयंक जी आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच आपका और आपके चैनल का। और जो भी प्रोजेक्ट आप फ्यूचर में करें, जो भी प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू अमोल जी। थैंक यू। तो आज के इस देसी कलाकार में एक बहुत ही खास मेहमान थे जो बड़े बेबाक है, अपनी सारी बातें जो है बेबाकी से रखते हैं, शायद कई सारे लोगों को बुरा भी लग सकता है। हमारा उद्देश्य तो बस उस इंसान की कहानी और उस इंसान की ज़िंदगी आप तक पहुंचाना है। तो आज के इस शो में बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूं, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए VKB न्यूज़ के साथ, GTPL नंबर 470 और एशियन केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 97 पर। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर फेसबुक और यूट्यूब पर भी हम अवेलेबल है, तो ज़रूर आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं अमोल आप लोगों से विदा लेता हूँ, आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए VKB न्यूज़।